सो ये वीडियो शूट करते हुए मैं बहुत बुरी तरह गिरा और मैंने अपने आप को इंजर कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा पैर पे भी बहुत बुरी चोट आई है, बट स्टिल मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेट्स बिगिन इट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अदर वीडियो फ्रॉम केन्या। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मुंबासा आए हुए हैं और टुडे वी आर एट हेलर पार्क और आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे एंड लेट्स सी कि यहाँ क्या क्या है देखने को। फॉर नाउ यू कैन सी इट इज़ फुल जंगल, पूरा जंगल जैसा है ये और जंगल के बीच में इन्होंने पाथ बनाया हुआ है। सो लेट्स एंटर एंड सी हाउ द एक्सपीरियंस गोज। तो सबसे पहले हम टिकट खरीद रहे हैं फिर अंदर जाएंगे। I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town, I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air. So हम लोग पार्क में एंटर हो चुके हैं और राइट नाउ ये पूरा अभी तक तो जंगल ही है, अभी तक हमें यहाँ कुछ देखने को नहीं मिला, बट अब आगे जा रहे हैं और लेट्स सी आगे और क्या है यहाँ। सो बेसिकली अभी जिस पॉइंट पे हम पहुँचे हैं ये मेन हेलर पार्क के एंड रिसेप्शन की तरफ जा रहा है, वहाँ पीछे इन्होंने लिखा हुआ भी है कि नो विजिटर्स बियॉन्ड दिस पॉइंट। तो अभी तक पार्क शुरू ही नहीं हुआ था मेन, सो नाउ द मेन पार्क इज गोना स्टार्ट। सो फार वी हैव स्पॉटेड मंकीज, वहाँ पीछे बहुत सारे बंदर हैं जो खुले घूम रहे हैं और हमें देख के छुप रहे थे, कोई सामने आ रहे हैं कोई छुप रहे हैं। सो दिस इज़ वॉट गोइंग ऑन। अब यहाँ पे हम आए हैं तो यहाँ पे एक रास्ता ये जा रहा है और एक रास्ता ये जा रहा है, अभी हम इस रास्ते पे जा रहे हैं। सो लेट्स सी। सो वी हैव रीच्ड दिस पॉइंट, यू कैन सी बिहाइंड मी, और ये अब जो है ये रिसेप्शन आया, सो वी आर गोइंग इनसाइड। वी हैव बीन डायरेक्टेड टू अवे बाई हिम द पर्सन एट द रिसेप्शन, और उसने हमें बोला है कि हमें इस तरफ जाना है इस रास्ते पर और वी विल फाइंड द थिंग्स, कोई गाइड है जो हमें गाइड भी करेगा साथ साथ। सो लेट्स गो। सबसे पहले वी हैव एंटर्ड इन टू रेप्टाइल पार्क, सो लेट्स एक्सप्लोर दिस। यू क्रॉस बाय द स्टॉर्मी
ABCs. Oh, you meant the world to me. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town, I'm searching for the lost and found. But you don't care. So far रेप्टाइल्स पार्क में ऐसा कुछ खास दिखा नहीं, बहुत सारे डिफरेंट तरह के स्नैक्स वगैरह रखे हुए हैं, बट क्योंकि लाइटिंग प्रॉपर नहीं है और शीशे के अंदर है तो वो क्लियर काफ़ी सारे तो दिख ही नहीं रहे, और बहुत सारे अपने जो उनके हैबिटेट्स के लिए उनके प्रॉप्स रखे हुए हैं उनके अंदर हैं तो वो ऐसे भी नहीं दिख रहे. सो देखो आगे क्या मिलता है. So we are done with Reptiles Park और now let's see कि कहाँ और क्या मिलता है यहाँ. So we just asked someone के Reptiles Park हमने देख लिया, अब यहाँ क्या है देखने को. तो हमें उसने बताया कि उस तरफ अगर जाएँ तो उधर कोई बटरफ्लाई पार्क है, उस तरफ जाएँ तो क्रोकोडाइल्स हैं, और उस तरफ कहीं पीछे जाएँ तो वहाँ जिराफ हैं. तो लेट्स सी आगे आगे जा रहे हैं, जो मिलता है वो दिखाता रहूँगा. I'm on my own, you made it so, and now I'm chasing nightmares. So now we have reached fish farm. You can see ye sare line se ponds hain aur sab mein koi na koi machliyan hain. So let's see them. Cause I believe the home was just you and me. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. So fish farm mein bhi abhi tak hume kuch aisa khas dikha nahi. So now we are going towards that side. Let's see वहाँ क्या है, क्योंकि यहाँ मछलियाँ पानी एक तो गंदा बहुत है उसकी वजह से कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा. फिर बहुत सी जगहों पे ऐसे आप जा नहीं सकते, उन्होंने दूर बैरियर लगाए हुए हैं तो उसकी वजह से वैसे ही कुछ नज़र नहीं आ रहा. So fish farm हो लिया, now we are all set to go to Games Energy, catch the exciting feeding session at 4 p.m. daily. Oh, so yeah, I guess rhinos hain. So let's go inside. This lake behind me, there should be a hippo, or should be क्या, there is one. वो उस जगह पीछे छुपा हुआ है पानी के अंदर, और हम बहुत देर से यहाँ खड़े थे पर वो अभी तक बाहर नहीं आया. सिर्फ हल्का सा फेस बाहर निकालता है और बस वापस अंदर चला जाता है, तो अभी तक देख नहीं पाए हैं हम उसको. सो मैं अभी स्टिल रुका हुआ था काफ़ी देर से, ये बाहर नहीं आया है, तो आगे जाते हैं, हो सकता है दोबारा आने का मौका मिले, आपको फिर देखेंगे. So now the board behind says के यहाँ पे आगे butterfly pavilion है. So let's go there and see के वहाँ क्या है, किस तरह से है. जिस तरह के यहाँ खतरनाक रास्ते बने हुए हैं ना जंगलों के बीच से, उससे वैसे ही डर लग रहा है. कोई भरोसा नहीं कहीं से कोई चीज निकल के आ जाए, यू नेवर नो. Searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Don't stare, cause the flames will burn us. I thought you were the one for. So we have reached Butterfly Pavilion. And
I guess it's inside there. Sees, oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. सो फार बहुत ज़्यादा तो नहीं, बहुत ज़्यादा तो खैर नज़र आ रही हैं बटरफ्लाइज, यहाँ बहुत सारी हैं, बट क्योंकि वो बहुत तेज़ी से उड़ रही हैं तो उनको देखना बड़ा मुश्किल है। कुछ जगहों पे इन्होंने इस तरह से उनका फूड लगाया हुआ है तो वो आके बैठ रही हैं, तो वहाँ उनको स्पॉट करना ईजी हो रहा है। Out of butterfly pavilion now, and now I have been told कि यहाँ पे कुछ buffaloes हैं और कुछ और चीज़ें हैं, hippo जहाँ था उसी के पास, और उसके बाद giraffes के पास जाना है। So we came back to the pond जहाँ पे hippos हैं वापस जाते हुए, but अभी भी वो अंदर ही हैं, बल्कि थोड़े से इस बार दिखे, एक हिप्पो की थोड़ी सी बैक और फेस दिखा और एक का थोड़ा सा फेस दिखा, बट दे आर स्टिल इनसाइड द वाटर। और आई गेस उनका फीडिंग पॉइंट जो वो बाहर निकल आया है और अब हम बहुत दूर हैं, बट लेट मी शो समथिंग। सो अभी मैं बोल ही रहा था और थोड़ा सा वो बाहर आ गए तो थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है, but let's go and see. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. So we are done with this too. और नाउ वी आर गोइंग टू द प्लेस जहाँ पे जिराफ हैं, टू सी हाउ इट इज़। तो हम जा तो रहे थे उसके लिए जिराफ देखने, लेकिन हम ये किसी जगह पहुँचे हैं, कोई रिसर्च सेंटर, और हेयर इट सेज यहाँ पे एक बोर्ड है टू येलो क्रोकोडाइल, सो लेट्स गो एंड सी वो क्या है। तो यहाँ पे चल चलते हमें कुछ और एनिमल्स नज़र आए, जिसमें हिरन थी और बड़ा सा एक टॉर्टोइस था और एक और जानवर था विच इज़ नोन एज पिग, विच इज़ हराम, वी यूजली कॉल हम मुसलमानों में हराम जानवर कहलाता है ये। सो नाउ दिस इज़ द वे टू रिसेप्शन यू सी, सो वी आर गोइंग दैट साइड, और फिर वहाँ से जिराफ देखने जाना है, जो एक चीज़ रह गई है, बाकी सब हो गया। सो आई वॉज जस्ट लुकिंग एट द ट्रीज अराउंड एंड इफ़ यू सी दिस वन, see how giant this one is, then this, and if you see this one, wow, what a big tree. So there is one crocodile jo out hai, let me show you, sorry crocodile nahi, tortoise. So if you see this one, see, this is how huge it is. You meant the world to me.
charting the stratosphere. I prayed for you and kept you near in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own, you made it so. Right now we are right at the giraffe manor. You can see there are giraffes behind me. There are almost total I can see right now are 6, but I don't know how many are because there are पीछे भी बहुत सारी जगह है इधर. Guys, this is it from the LR Park. यहाँ की recommendations में ये बहुत ज़्यादा ऊपर था, but I think जिस हिसाब से यहाँ के charges हैं especially for non-residents, तो this experience is not death worth it. क्योंकि if there are kids with you, और बच्चे हैं बहुत ज़्यादा, मकसद तो बच्चों के लिए फिर I guess थोड़ा बेहतर है, but I don't think so कि this is a good experience over here. So this is where I will end this video. If you like it, don't forget to give a thumbs up, and if you have not subscribed to my channel, do subscribe it, and do share this video with others. Apna khayal rakhiyega, aapse milte hain bahut jaldi ek aur video mein. Till then, Allah Hafiz.